दर्शकों, मैं हूं काजल। आप मुझे देख रहे हैं MNS News Live पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सच्ची खबरें जानना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि सच जरूरी है। वन विभाग गोंदिया वन परिक्षेत्र अर्जुनी मोरगांव के तहत आने वाले देबुल गांव गोंद्रा में बनाए गए वन तालाब में बड़े पैमाने पर किया गया भ्रष्टाचार। वन रक्षक SG डोंगरे एवं ग्रामीण रोजगार सेवक कावरे का कारनामा 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। वन तालाब को मिली जानकारी के आधार पर वन विभाग के वन परिक्षेत्र अर्जुनी मोरगांव के तहत बोंद्रा बीट नंबर 229 में तालाब के काम का निर्माण किया गया, जिसमें 15 लाख रुपए तालाब के ओवरफ्लो और छोटे मोटे सीमेंट कार्य पर खर्च दिखाया गया है, जिसके चलते इस निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाने का जानकारी सामने आई है। वन विभाग गोंदिया वन परिक्षेत्र अर्जुनी मोरगांव में बीट नंबर 179 में 30/10/2017 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना के तहत वन तालाब के काम का निर्माण किया गया, जिसमें SG डोंगरे वन रक्षक और कावरे ने मिली भगत कर लगभग 15 लाख रुपए का गबन किया, जिसके चलते इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न दर्जे की दिख रही है। इस पूरे मामले में वन रक्षक SG डोंगरे ने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे भ्रष्ट वन रक्षकों को तत्काल निलंबित करने की मांग वन मंत्री से की गई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए कहा गया है। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।